नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एक टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट के बारे में, जहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता माला राज्य लक्ष्मी शाह सांसद हैं। 1957 में हुए लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट में 3 जिले उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा को 1,92,503 वोटों से हराया था। इस चुनाव में माला राज्य लक्ष्मी शाह को 4,46,733 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के साकेत बहुगुणा को 2,54,230 वोट मिले। इस सीट पर पड़े कुल 7,76,214 वोटों में से 10,762 वोट नोटा के पक्ष में गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 57.39% मतदान हुआ था। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर कुल 13,52,845 मतदाता हैं, जिनमें से 7,12,039 पुरुष और 6,40,806 महिला वोटर हैं। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 3 जिले की कुल 14 विधानसभा सीटें शामिल है। इनमें से देहरादून जिले की 7 विधानसभा सीटें चकराला, देहरादून कैंट, मसूरी, रायपुर, राजपुर रोड, सहसपुर और विकास नगर। टिहरी गढ़वाल जिले की 4 विधानसभा सीटें धनौल्टी, धनसाली, प्रताप नगर और टिहरी, और उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा सीटें गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला शामिल है। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट की कुल आबादी 19,23,454 है, जिसमें से 61.93% आबादी ग्रामीण और 38.07% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इस लोकसभा सीट में करीब 17.15% आबादी अनुसूचित जाति से आती है, जबकि 5.80% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। अब बात करते हैं टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के बारे में। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग राज्य के तौर पर गठन होने के बाद माला राज्य लक्ष्मी शाह इस राज्य से लोकसभा के लिए चुनती आई है। पहली महिला सांसद भी बनी है। माला राज्य लक्ष्मी शाह सबसे पहले साल 2015 में हुए उपचुनाव में इसी सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर उत्तराखंड में भाजपा राज्य संसदीय बोर्ड की सदस्य बनी। इस चुनाव में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को 22,000 के वोटों के अंतर से हराया था। नेपाल के काठमांडू में जन्मी माला राज्य लक्ष्मी शाह राजघराने से है। 7 फरवरी 1975 को उनकी शादी टिहरी गढ़वाल के महाराज मनुजेंद्र शाह साहिब बहादुर से हुई थी। माला राज्य लक्ष्मी शाह के ससुर और तत्कालीन टिहरी शाही परिवार के वंशज मानवेंद्र शाह 8 बार इस लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। 16वीं लोकसभा में माला राज्य लक्ष्मी शाह ने सदन में के अंदर कुल 33 सवाल उठाए हैं। सदन में उनकी उपस्थिति 79% रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने 32 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट में 3 जिले शामिल हैं और तीनों जिले पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इनमें से अगर टिहरी गढ़वाल जिले की बात करें तो ऊंचे पर्वतों से घिरा ये जिला अपने अंदर काफी सुंदरता समेटे हुए है। इस जिले में श्री बूढ़ा, केदारनाथ मंदिर, हरसाल, नागटिम्बा, चंबा, कैप्टी फॉल, देवप्रयाग और धनौल्टी आदि कई घूमने लायक जगह है। इसके अलावा भागीरथी नदी के तट पर बसा उत्तरकाशी में भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। सात ताल, केदार ताल, नचकेत ताल, गोमुख और नंदन वन, तपोवन यहाँ के प्रमुख स्थान है। तीसरा जिला देहरादून में भी कई पर्यटक स्थल है, जिनमें से तपकेश्वर मंदिर, मालसी डियर पार्क, कलंगा स्मारक, लक्ष्मण सिद्ध, चंद्रमाणी, साई दरबार, गुच्छुपानी वन अनुसंधान और तपोवन संतोला देवी मंदिर प्रमुख है। बहरहाल 2019 के चुनाव की चर्चा देश भर में है। तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। देखना दिलचस्प होगा कि लोग किस पर भरोसा जताते हैं। लोग भाजपा को वापस मौका देते हैं या फिर कांग्रेस के सर जीत का सहरा बनता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।